अपराधी किशन मधेसिया पुत्र मुन्ना मधेसिया निवासी सिंधी कॉलोनी हाल मुकाम बीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को धारा 3A गुंडा अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। यदि किसी को जिले की सीमा के अंदर ये अपराधी किशन मधेसिया दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सुनो 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 मोहल्ले वाले सुनो। गुंडा प्रवृत्ति के 2 अपराधियों को जिलाधिकारी ने किया जिला बदर। ढोल बजाकर पुलिस ने मोहल्ले के लोगों को सूचित कर आदेश का कराया अनुपालन। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर क्षेत्र के गुंडा प्रवृत्ति के 2 अपराधियों को जिलाधिकारी अरुण कुमार ने 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कोतवाली प्रभारी एवं उनकी टीम ने दोनों अपराधियों के मोहल्ले में जाकर ढोल बजाकर मोहल्ले के लोगों को इनके जिला बदर होने की सूचना दी। पुलिस ने बकायदा लोगों से आह्वान किया कि अगर यह अपराधी इस दौरान मोहल्ले में दिख जाते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें। बताते चले कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भीटी मोहल्ले के रहने वाले किशन मधेसिया एवं सरायल खंसी थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन मधेसिया के घर पर पुलिस ने बकायदा ढोल बजाकर इन दोनों अपराधियों के जिलाधिकारी द्वारा जिला बदर किए जाने के आदेश की सूचना मोहल्ले के लोगों को दिया। इस दौरान इन अपराधियों के घरों पर नोटिस चस्पा भी किया गया। पुलिस ने लोगों से यह अपील भी की अगर यह अपराधी इस दौरान मोहल्ले में देखे जाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दें। जिला मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। जो आपराधिक गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके खिलाफ गुंडा की रिपोर्ट दी गई थी, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जारी हुए थे तो थाना कोतवाली में किशन मधेसिया के यहाँ और सराय लखनसी में पवन मधेसिया और 2 लोगों के यहाँ और जाके उनके यहाँ ढोल आदि बजा के और सबको सूचित किया गया कि ये जिला बदर हो गए हैं और तदनुसार ये एक्ट करें अपना और कार्रवाई का अनुपालन कराया गया।